हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसा अचार बताने जा रही हूँ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और मौसम के लिए भी बहुत अच्छा है। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हम आंवले का अचार आज बनाएंगे। आपको पता है आंवले की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये आइस के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन सी होता है, स्किन ग्लो करती है। अगर आंवले का आप एक आंवला भी रोज़ लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें स्पाइसेस भी मैंने बहुत से ऐसे डाले हैं जो कि डाइजेस्टिव हैं और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में, आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आंवले का अचार। ये मैंने हाफ के जी आंवला लिया है। ये हाफ के जी आंवला है, इसको हमने काट लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं और इनको धूप में सुखा लिया है। थोड़ा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई कर लेना है धूप में, नहीं तो अगर फैन के नीचे भी आप थोड़ी देर रख के इसको ड्राई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे पैन में। मस्टर्ड ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, लेकिन इस टाइम आंवले को फ्राई करने के लिए हम 2 स्पून्स लेंगे मस्टर्ड ऑयल। किसी भी तेल में अचार बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में स्वाद आता है, अचार में ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। ये आंवले जो है अभी कच्चे हैं, इनको हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, पूरा एकदम नहीं गलाना है, थोड़े सॉफ्ट करना है। जितने बाकी के ये अचार में, अचार के मसालों में सॉफ्ट हो जाएंगे और अपने अंदर मसाले और तेल सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि इनमें पूरा स्वाद आ जाएगा मसालों का। अभी ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब हम इसमें आंवले डाल देंगे। और इनको अभी मीडियम स्लो फ्लेम में ही इनको थोड़ा सा भून लेंगे, इनको स्लो फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारे आंवले जो हैं वो जलने नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको ऐसे चला के भूनने के बाद इनको 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे। आंवलों को थोड़ा ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या मसाले यूज़ करने हैं। मैंने लिया है कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली 1/2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, राई, पीली सरसों 2 टेबल स्पून, काली राई 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 2 टेबल स्पून लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ले सकते हैं। और हींग 1/4 टेबल स्पून। हमें मस्टर्ड ऑयल की और ज़रूरत पड़ेगी। और ये सभी मसालों को हमने पहले, ये जो पिसे हुए मसाले हैं इनको छोड़ के सभी मसालों को हम पीस लेंगे, भून के थोड़ा सा रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। रोस्ट इतना करना है कि बस इसमें से खुशबू आने लगे और इनका मॉइस्चर चला जाए, फिर उनको मिक्सी में ग्राइंड करके, ये मैंने पहले से तैयार करके रखा है। ये सभी मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो साबुत मसाले हैं, उनको पीस के, बहुत ज़्यादा वो बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, तो दरदरा करके ही मसाले हमने पीस लिए हैं। अब हम देखते हैं हमारा आंवला गल गया होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा। क्योंकि आंवला बहुत काफ़ी हार्ड होता है,
इसलिए इसको थोड़ा सा सॉफ्ट पहले कर लेते हैं, तो बाकी सॉफ्ट हो जाता है अचार में। इसको तीन चार दिन तक धूप लगाएंगे अचार को। अब हम देखते हैं हमारा आंवला थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा। आप देखिए थोड़ा सा ये भुन भी गया है थोड़ा, और ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और जो मसाले हमने दरदरे कूट के रखे हैं वो पीस के रखे हैं वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये सभी मसाले डाल दिए हमने। अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे, 2 टेबल स्पून सॉल्ट। अचार में थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट ही अच्छा लगता है। चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, अब इसमें थोड़ी हींग भी डालेंगे। हींग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें करीब मैं 1/4 टेबल स्पून हींग। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे सबको, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से सारे आंवलों में मसाले चिपक रहे हैं। अब इसमें हम बाकी का मस्टर्ड ऑयल, मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल पहले डाला था। अब जो है वो 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है। और वैसे मस्टर्ड ऑयल आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अचार जो है अच्छी तरह से ऑयल में डूबा होना चाहिए, इससे ख़राब नहीं होगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अचार बनाने में। एक तो कभी भी जब आप अचार बन जाता है निकालते हैं तो उसको गीले चम्मच से नहीं निकालिए, हाथ से नहीं निकालिए, सूखे और साफ चम्मच से निकालिए। दूसरा, जब अचार आपने डाला है उस टाइम मस्टर्ड ऑयल या आप जिसमें डाल रहे हैं अचार वो इतना होना चाहिए कि अचार अच्छी तरह से उसमें डूबा रहे, जिससे अचार ख़राब होने का डर नहीं होता। और जिस बॉटल में आप डाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सूखा लग रहा है। जिस बॉटल में आपने अचार को भर के रखना है वो एकदम ड्राई होनी चाहिए। अब ये अचार अच्छा, इसमें ऑयल अच्छी तरह से मसालों को इसमें लपेट लिया है, और अब इसको हम, अब अचार हमारा रेडी है, इसको बॉटल में भर लेंगे। 3-4 दिन धूप लगा दीजिए, अचार खाने के लिए तैयार है। एक साफ शीशे का जार लेंगे या शीशे की बॉटल लेंगे, इसमें अब अचार हमारा रेडी है और हमने उसे जार में भर दिया है। इसको अच्छे से हटा के इसका ढक्कन लगा देंगे। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए पूरा ढक्कन नहीं लगाइएगा, थोड़ा हल्का लगाएंगे। थोड़ा ठंडा होने पे इसको ठीक से टाइट कर देंगे और इसे धूप में रखेंगे। इसमें मैंने सॉल्ट जो यूज़ किया है वो पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, और पिंक सॉल्ट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में टाटा, ये इसका आयोडाइज नमक, कोई भी टाटा का या कैप्टन कुक का या जो भी यूज़ करते हैं ब्रांड का आयोडाइज नमक होता है, लेकिन वो बहुत प्रोसेसिंग से जाता है जिससे उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं।
तो इसलिए हम पिंक सॉल्ट जो कि एकदम रॉ होता है, जो एकदम मतलब उसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ होते कि क्लीनिंग के लिए, वो डायरेक्टली उसको वो ग्राइंड करके यूज़ करते हैं। तो पिंक सॉल्ट यूज़ करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और आपका वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और ये बहुत लाइट होता है, इसमें सोडियम की मात्रा नहीं होती है। हमारा कॉमन सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें जो सोडियम की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें नहीं होती है। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो हमें अपने नॉर्मल, हम इवन अपने नॉर्मल खाने में भी, दाल में भी यही सॉल्ट डालते हैं। तो जितना हो सके हम ये सॉल्ट डालें तो अच्छा है। वैसे आयोडाइज सॉल्ट थोड़ा खाना चाहिए क्योंकि उसमें आयोडीन मिलाते हैं, जिससे आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं हो। तो एक मील में आप आयोडाइज सॉल्ट डालिए और इवनिंग में, डिनर में, या आप पिकल बना रहे हैं कोई ऐसी चीज़, उसमें पिंक सॉल्ट डालिए। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय।